नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के बारे में। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पिछले कुछ दिनों से दिक्कत में नजर आ रहे थे। एक्टर के घर और अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग ने सर्च ऑपरेशन किया। बुधवार के दिन सोनू सूद के कुल 6 ठिकानों पर तलाशी ली गई। एक्टर ने सभी पहलुओं पर प्रतिक्रिया दी है। एक्टर ने कहा कि उन्होंने सिर्फ लोगों की मदद की है और किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं किया है। आइए जानते हैं एक्टर ने इस मामले में क्या कुछ अपने पॉइंट्स रखे हैं और पॉइंट्स के जरिए अपनी बात रखते हुए उन्होंने क्या कहा। पहले पॉइंट पर उन्होंने कहा, जांच अधिकारियों को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे मैंने उन्हें दे दिए थे। उनके जो सवाल हैं उनका उत्तर देना मेरा फर्ज है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया, फाउंडेशन में जो पैसा है वह सही लोगों तक पहुँचाना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी बांट दिया जाए। जिन कंपनियों के साथ काम किया है उनका भी 50% नहीं तो 40% भी मैंने फाउंडेशन में दान करवाया है। जो भी एक एक पाई लोगों ने दी है वह सही जगह पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। तीसरे पॉइंट में उन्होंने बताया, बाहर के क्राउड फंडिंग से 1 रुपया नहीं आया है मेरे पास। कानून उल्लंघन की बात ही नहीं आती है क्योंकि पैसा यहाँ आया ही नहीं। हम मिलाप फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं के पास अभी बाहर के फंड्स हैं, वह इंडिया आ ही नहीं। चौथे पॉइंट में उन्होंने बताया, ये पहले से ही सर्च थी, सर्वे नहीं था। जांच अधिकारियों ने एक एक डॉक्यूमेंट की जांच की। मैंने उनसे भी सवाल किया था, आप देख रहे हो मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आया है और हमने आपको पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिए, फिर भी ऐसी बातें क्यों आई। पांचवें पॉइंट में उन्होंने कहा, मुझे हर पार्टी में घुमा चुके हैं लोग। मैंने जब काम करना शुरू किया था तब मुझे अलग अलग पार्टी का रंग दिया गया था, सभी के साथ मेरे नाम जोड़े जा रहे थे। मैंने लोगों की मदद करते समय वह किस राज्य से हैं ये नहीं देखता था। जब मैंने मदद करना स्टार्ट किया तो बहुत लोग हमसे जुड़ते गए। किसी ने कहा हमारी तरफ से 1 बस भेज दो तो किसी ने कहा हमारी तरफ से पानी दे दो। एक एक मूवमेंट था जिसके साथ लोग जुड़ते गए। छठे पॉइंट में उन्होंने बताया, मैं 2 बार राज्यसभा की सीट छोड़ चुका हूँ। कोविड के समय मुझे राज्यसभा के लिए ऑफर आया था जो कि मैंने मना कर दिया था। मैंने सोचा मैं तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा आऊँगा लेकिन किसी के खिलाफ बात नहीं करूँगा, जब तैयार हो जाऊँगा तब देखेंगे। मुझे पॉलिटिक्स से परहेज नहीं है, अगर राजनेता अच्छा नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। वक्त आएगा तो छत पे खड़ा होकर अनाउंस करूँगा, रेड का कारण तो वही लोग बता सकते हैं। तो इस तरह सोनू सूद ने पॉइंटर्स के जरिए अपनी बात रखी है। हर एक पॉइंट में उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया है। उनका कहना है कि IT की रेड पड़ने पर जो भी उनका फ़र्ज था वो उन्होंने निभाया। अब ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके बारे में ना सोनू सूद को पता है ना हम लोगों को। इसके बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इस तरह की हर एक अपडेट के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे